नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हाँ, अब तक सुशांत का केस चल रहा है। सुशांत को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी ये केस चल रहा है, कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इस केस में कुछ नाम सामने आए थे जिन्हें आप नहीं जानते होंगे, जो काफी चर्चा में भी रहे थे, जिनमें से एक नाम है श्रुति मोदी। अब आप समझ गए होंगे कि श्रुति मोदी आखिर है कौन, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि श्रुति मोदी रिया चक्रवर्ती की एक्स मैनेजर रह चुकी थी और वो सुशांत की भी मैनेजर रही थी। आपको बता दें कि श्रुति मोदी से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी और बयान में श्रुति मोदी ने यह साफ बताया था कि सुशांत 1 महीने में 10 लाख रुपए खर्च करते थे, जिनमें 4.5 लाख उनके अपार्टमेंट का रेंट जाता था। वहीं आपको बता दें कि अचानक से श्रुति मोदी को फरवरी 2020 में मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया गया था, उसके बाद किसी और की एंट्री हो गई थी। जब मैंने श्रुति मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा तो उसमें कोई भी वेरीफाइड अकाउंट नहीं था। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रुति मोदी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो वेरीफाइड नहीं है, लेकिन सुशांत उस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, रिया भी उस अकाउंट को फॉलो कर रही हैं, जिससे ये साफ था कि वो सुशांत और रिया के काफी क्लोज थी, उनकी चीजें संभालती थी, तो वो उन दोनों के काफी क्लोज रही हैं। लेकिन फरवरी 2020 को श्रुति मोदी को इस पोस्ट से हटा दिया गया था। इन 6 महीनों में भी श्रुति मोदी ने कई बयान दिए हैं, कई ऐसी बातें बताई हैं जो शायद आपको नहीं पता होगी। अभी आपको बता दें कि मंगलवार को भी उन्हें एनसीबी ने बुलाया था और एनसीबी ने काफी सारे बातें की हैं उनसे, काफी कुछ पूछताछ हुई है उनसे। वहीं रिया चक्रवर्ती को भी अभी हर सोमवार बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। तो इन 6 महीनों में श्रुति मोदी ने अपने क्या बयान दिए हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, वो सारी बातें हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रुति मोदी का नाम इस केस में काफी ऊपर रहा था। वहीं आपको बता दें कि श्रुति मोदी के वकील ने भी मीडिया से काफ़ी बातें की थी और कई खुलासे भी किए थे। आपको बता दें कि वकील ने इस मामले में ड्रग्स कनेक्शन के बारे में बताया था। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कुछ खुलासे किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रुति मोदी के वकील ने सुशांत सिंह राजपूत के खर्चों पर बात करते हुए बताया था कि वह अपने खर्चों को लेकर काफ़ी परेशान थे और वह उनको खर्च को कम करना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत के खर्चों को लेकर रिया चक्रवर्ती ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, जिसका सुशांत हिस्सा तो नहीं बन पाए थे, लेकिन मीटिंग की रिकॉर्डिंग की गई थी। वहीं आपको बता दें कि श्रुति मोदी के वकील ने बताया 11 जनवरी को रिया चक्रवर्ती ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसे सुशांत ने रिया को रिकॉर्ड करने के लिए कहा था ताकि उसे वह बाद में सुन सकें। सुशांत को पता था कि उनके खर्च बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। जी हाँ, वह अपने रुपयों को लेकर काफ़ी असुरक्षित थे और इसीलिए मीटिंग उन्होंने बुलाई थी। वहीं सुशांत के परिवार वाले चाहते थे कि वो वापस आ जाएं, क्योंकि वह उनके लिए एक रेस्टोरेंट खुलवाना चाहते थे, लेकिन सुशांत को ये मंजूर नहीं था। ये श्रुति मोदी के वकील के स्टेटमेंट हैं। आपको बता दें कि ड्रग्स के मुद्दे पर बात करते हुए श्रुति मोदी के वकील ने कहा कि एक व्हाट्सएप पर ग्रुप था जिसमें ड्रग्स लेने पर चर्चा होती थी। उस ग्रुप में सुशांत और रिया के अलावा सोहेल, जो कि उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड थे, और दोस्त आयुष शर्मा आनंदी थी, जो कभी कभी सुशांत के घर रुककर ड्रग्स लेते थे। इस ग्रुप में मौजूद हर कोई ड्रग्स लेता था। मैनेजर श्रुति को इन लोगों ने लेने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने कहा कि अगर उनसे दोबारा यह पूछा गया तो वो ये ग्रुप छोड़ देगी, इसलिए
उनसे दोबारा ये सवाल नहीं किया गया था। वहीं श्रुति मोदी के वकील ने आगे कहा कि उस ग्रुप में होने की वजह से शशांक सिंह राजपूत को ड्रग्स के बारे में सब कुछ पता था और वह इसका सेवन भी करते थे। जी हाँ, ये बात कितनी सच है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बयान श्रुति मोदी के वकील ने दी थी। श्रुति मोदी को काफ़ी बार NCB हो या CBI सब ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं श्रुति मोदी शशांक सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी हैं। अब आपको बता दें कि श्रुति मोदी जी हाँ, जब CBI से श्रुति मोदी की पूछताछ हुई तो श्रुति ने अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए रिया चक्रवर्ती पर दोष मढ़ दिया था। जी हाँ, श्रुति ने कहा कि रिया ही शशांक के मामले में बहुत दखल देती थी। श्रुति मोदी ने CBI को बताया कि उन्होंने शशांक को कभी कोई दवाई नहीं दी है। शशांक के लिए जो भी पार्सल आते थे वो सिर्फ रिया के पास पहुंचते थे। श्रुति के मुताबिक उन्होंने कभी शशांक के लिए किसी दवा का सुझाव नहीं दिया है, रिया ही शशांक को दवाइयाँ दिया करती थी। आपको बता दें कि श्रुति मोदी और शशांक सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी। इसमें उन्होंने शशांक की तबीयत और डॉक्टर को लेकर मीतू सिंह से बात की थी। इन दोनों को यह चैट 26 नवंबर 2019 को हुई थी। इस चैट में मीतू सिंह ने श्रुति मोदी से शशांक सिंह राजपूत के डॉक्टर और उनकी दवाइयों के बारे में जानकारी मांगी थी। वहीं श्रुति मोदी ने शशांक का प्रेस्क्रिप्शन भी मीतू सिंह के साथ शेयर किया था। आपको बता दें जी हाँ, श्रुति मोदी का ये बड़ा बयान था कि रिया चक्रवर्ती ही शशांक सिंह राजपूत को दवाइयाँ देती थी, जिसके कारण शशांक सिंह राजपूत अपने कमरे में सोते रहते थे और रिया ऊपर पार्टी करती थी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में श्रुति मोदी को फिर से NCB ने पूछताछ के लिए बुलाया था और काफ़ी कुछ उसमें भी सामने आया था। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को भी सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनके साथ शौविक चक्रवर्ती भी दिखाई दिए थे। पहले तो श्रुति मोदी रिया चक्रवर्ती का बहुत साथ दे रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ा और सारा दोष रिया चक्रवर्ती के ऊपर उन्होंने मढ़ दिया। अब भी काफ़ी ज़्यादा पूछताछ चल रही है, देखते हैं कब तक CBI अपना पक्ष सामने रखती है। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से साफ हो गया कि श्रुति मोदी भी इस केस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। उनके भी कई सारे चैट्स थे जो सामने आए थे, NCB हो या CBI हो या कोई भी हो, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वहीं इन 6 महीनों में कई सारी बातें सामने आई है। ये जो कुछ नाम है ये काफी अहम है, काफी मायने रखते हैं। अब देखते हैं कि आगे CBI इसमें क्या एक्शन लेती है। मुझे लगता है कि CBI से ज्यादा अभी NCB ज्यादा एक्टिव है इस केस में। हो सकता है कि जल्द कुछ बड़े खुलासे भी हों। आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।